नमस्ते, मैं अनुष्का सरकार कक्षा 4 की छात्रा हूँ और मैं अपने साथियों के साथ मिलकर एक परियोजना कार्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ और हमारे परियोजना कार्य का विषय है संज्ञा सर्वनाम का स्वरूप। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे कृष्ण, दिल्ली, तिरुपति, नगर, विद्यालय, वीरता, बुराई आदि। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्याकरण के कोई विद्वान संज्ञा को 2 और भेद भी मानते हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर पर पूरा भारत गर्व करता है, इस वाक्य में सचिन तेंदुलकर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उदाहरण जैसे हिमालय, गंगा, कृष्ण, प्रयाग, गीता आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्राय अर्थहीन होती है, जैसे शिला, भारत, यमुना, विद्याचल। ये सभी शब्द किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान के नाम है, इनका कोई अर्थ नहीं। कभी कभी कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थयुक्त होती है, जैसे परमात्मा, प्रकृति, ईश्वर, आकाश, पृथ्वी आदि। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक की जाति का संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पहाड़, नगर, आदमी, नदी आदि। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्द से प्राणियों के भाव, गुण, दोष, अवस्था, धर्म, दशा, कार्य आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कोमलता, मिठास, क्रोध, हरियाली, चाल आदि। समुदायवाचक, अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं को समुदाय कहते हैं, अतः जिन संज्ञा से समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, सभा, परिवार, सेना आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे घी, तेल, पानी, सोना, चांदी, लोहा आदि। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इनमें सबके नाम बोलने की क्षमता होती है, इसलिए ये सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम को सरल शब्दों में सर्व कहते हैं। सर्वनाम 2 शब्दों में बटा होता है, सर्व जोग नाम सर्वनाम। हिंदी में कुल 12 सर्वनाम है, जो भेदों के अनुरूप इस प्रकार है। पुरुषवाचक जैसे मैं, तू, वह, आप। निश्चयवाचक जैसे यह, वह। अनिश्चयवाचक जैसे कोई, कुछ। प्रश्नवाचक जैसे क्या, कौन। संबोधनवाचक जैसे जो, सो। जैसा, वैसा। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद है। पुष्पक सर्वनाम बोलने पाए, सुनने पाए या किसी तीसरे व्यक्ति के प्रयोग होने पाए सर्वनामों को पुष्पक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, 1 उत्तम पुरुष, 2 मध्यम पुरुष, 3 अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, वक्ता या लेखक अपने नाम के बदले जिस शब्द को प्रयोग करे उसे उत्तम पुरुष भाषक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष, वक्ता या लेखक जिस शब्द को श्रोता अथवा पाठक के लिए प्रयोग करे उसे मध्यम पुरुष भाषक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तेरा। अन्य पुरुष, वक्ता अथवा लेखक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हो उसे अन्य पुरुष भाषक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे।
निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से निकट अथवा दूर वाली वस्तु का निश्चयपूर्वक संकेत किया जाए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दो है, ये वह, ये से निकट वाली वस्तु का संकेत होता है और वो से दूर की वस्तु का, इसलिए ये को निकटवर्ती और वो को दूरवर्ती निश्चयात्मक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को कभी कभी संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जिन सर्वनामों से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। हिंदी में कोई किस अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में जो संबंध बोधक सर्वनाम है इसका संबंध वो और सो सर्वनामों से होता है, जैसे जो करेगा सो करेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम मध्यम और अंत्य में निजत्व का बोध कराता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूंगा, तुम अपने आप चले जाना। धन्यवाद।